जी मोहतरम, कर दें शुरू। पक्की बात, अशहरी का आसान सा सवाल आया हुआ है पास पेपर का। पास पेपर क्वेश्चन 1। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम डेट टुडे इज यकम फरवरी 2020। आज क्या तारीख है? यकम फरवरी 2020। हमारा जीवन क्या है? 31 दिसंबर 19। और आज क्या तारीख है? सवाल में यार पास पेपर का क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर 272। ये जनवरी का महीना है और ये क्या तारीख है? यकम फरवरी। यकम फरवरी पे खड़े होकर हमें सवाल में कुछ डेटा दे रहा है। यकम फरवरी पे खड़े होकर हमें सवाल में कुछ डेटा दे रहा है। अच्छा मुझे बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर ने ऑथराइज किया दी होंगे यकम फरवरी को, ये मतलब है इसका टुडे इज यकम फरवरी, या वैसे ही बता रहे टुडे इज यकम फरवरी? वैसे ही बता रहा है। डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज करते हुए महीना लगता है? ना 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 ना, वो तो ऑडिटर आएंगे, पता नहीं क्या होगा, मार्च अप्रैल में जाके कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो रही होंगी। तो इट डजेंट मीन के सवाल में यकम फरवरी का मतलब है इसे डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया। डायरेक्टर्स पता नहीं कब साइन करें, हम खड़े किस दिन है वैसे? वैसे ही सवाल बता रहे हैं, हम यकम फरवरी को खड़े हैं। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडरलैंड लिमिटेड, योर असिस्टेंट, आपके छोटे ने प्रिपेयर किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप बड़े हैं, आपका एक छोटा है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ही हैज ब्रॉट द फॉलोइंग मैटर्स फॉर यू, वो आपके लिए ये मैटर्स लेके आया है फॉर योर कंसिडरेशन। सर आप इनको जरा देख लें, ये मैटर्स हैं, कुछ नहायत ही अन्य किस्म के मैटर्स हैं, तो इनको सर आप देख लें। तो एक मिनट लगाएं, ये 3 पैराज पढ़ लें, बिल्कुल आसान सी कहानी है। कहानी समझ के पढ़ेंगे तो आसान फील होगा। बहुत आसान सी कहानी। वो आ रहे हैं भाई, उन्हीं का वेट कर रहा हूं। चलें, कहानी पढ़ ली तो डब्बे के अंदर चीजें टिक, चीजें भी पढ़ने कहते हैं। 272। पॉज कर दो जरा। यू आर फाइनेंस मैनेजर, ये हो गया। इन मिड ऑफ 2019, इन मिड ऑफ 2019, हमारे साल के मिड में, इन मिड ऑफ 2019 ही हैज ब्रॉट फॉलोइंग मैटर, सॉरी WL लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल ऑफ लैपटॉप्स विद द नेम चैंप। एक HP है, एक डेल है, एक चैंप है। तो चैंप के नाम से नए लैपटॉप लॉन्च हुए हैं विच बिकेम पॉपुलर अमंग कस्टमर, और लोगों ने कहा लैपटॉप हो तो चैंप हो, HP डेल फारा कर दिए। इन नवंबर 2019 WL स्टार्टेड रिसीविंग कंप्लेंट्स। नवंबर में फोन आने लग गए, कंप्लेंट्स आने लगी अबाउट इंसिडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। लोगों ने कहा घर में हमने अपनी लैब पे लैपटॉप रखा हुआ था और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगे। तो कंप्लेंट्स अबाउट इंसिडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एंड एक्सेसिव हीट, और टांगों के अंदर हीट ही हीट हमारे जमा हो गई है। सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स रिजल्ट इन सीरियस इंजरीज टू कस्टमर्स, और कोई अपने जख्म लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाईजान लैपटॉप हमने रखे हुए हैं और लैपटॉप जो है वो हमें धमाके किए जा रहे हैं। सेवरल कस्टमर फाइल क्लेम्स फॉर डैमेजेस, डैमेज होता है जुर्माना, कुछ कस्टमर ने तो जुर्माना भी मांग लिया कि तुम कौन होते हो घर में आके हमें तंग करने वाले, तो तुम लोगों ने ऐसे लैपटॉप हमें बेचे कि हमारे घरों के अंदर हमारी टांगों पर आग लग गई है फॉर इंजरीज। एंड द मैटर वॉज हाईली पब्लिसाइज ऑन सोशल मीडिया एज वेल, और सोशल मीडिया पर भी उठा के लोगों ने चैंप की ऐसी की तैसी कर दी। ओके अच्छा भाई लेट आयो, हमने कुछ लैपटॉप बेचे थे वो खराब निकले हैं। आगे चलें। ऑन 1 दिसंबर 2019, साल खत्म होने से एक महीना, यार कुछ बोला करो पहले बाद, आप फोन नहीं हिलाते। साल खत्म होने से एक महीना पहले, ऑन 1 दिसंबर 2019, अब पहले नहीं बोलना, आगे लीजिए भी बोलनी है। ऑन 1 दिसंबर 2019, साल खत्म होने से एक महीना पहले, WL सस्पेंडेड द सेल ऑफ चैम्प, जितने भी चैम्प बिक रहे थे वो हमने बेचने बंद कर दिए। WL कंडक्टेड इंक्वायरी, और हमने इंक्वायरी की, विच लेड टू द कंक्लूजन डेट दीज इंसिडेंट्स वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ चार्जर। ये मसला लैपटॉप का नहीं है, ये उसके साथ लगी हुई तारों का मसला है। ये तो किसका मसला है? चार्जर का मसला है, मसला तो चार्जर में निकला। तो वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव चार्जर्स।
ऑन 25 दिसंबर 2019, साल खत्म होने से 6 दिन पहले WL अनाउंस्ड, आपके 30 दिसंबर होते हैं, हमारा 31 दिसंबर होता है, साल खत्म होने से 6 दिन पहले ऑन 25 दिसंबर WL अनाउंस्ड। आपने आपने हाईलाइट किया था ये दिमाग में, जरूरी नहीं हाईलाइटर से, हाईलाइटर नहीं है आपके पास, हाईलाइट किया था दिमाग में, WL अनाउंस्ड डेट ऑल कस्टमर्स, ओ तेरी खैर, बड़ा बोल्ड डिसीजन है, डेट ऑल कस्टमर्स कैन कलेक्ट द रिप्लेसमेंट चार्जर्स, रिप्लेस करा लें चार्जर हमारे से, अगले साल आना शुरू करें, अभी चार्जर अरेंज करने पे हमें टाइम लगेगा, लेकिन साल से पहले क्या हो गई है, अनाउंसमेंट हो गई, पहले लीगल ऑब्लिगेशन बन गई या कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, अब जबान दे दिए फिरेंगे नहीं। द सेल्स ऑफ चैंप विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन द सेम डेट, असल में ना दिसंबर का पूरा महीना और जनवरी के 15 दिन लैपटॉप हमने बेचने बंद कर दिए, 45 दिन दुकान के बाहर हमने लिख के लगा दिया शटर डाउन, जुमा ब्रेक, तो 45 दिन जुमा ब्रेक है, ठीक है, तो 45 दिन तक अब दुकान नहीं खुलेगी, डन, दिसंबर का पूरा महीना भी और जनवरी के 15 दिन भी हमारी दुकान बंद है, डेट ऑल सॉरी द सेल्स ऑफ चैम विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन 15 जनवरी, 15 जनवरी को सेल दोबारा इसकी शुरू हो जाएगी एट अ रिड्यूस प्राइस, ये बात नोटेबल है, हम जरा सस्ते अब बेचेंगे चैम्प ताकि लोग खरीदें, क्योंकि लोगों का एतमाद उठ गया ना हमसे, तो एतमाद बहाल होते होते अरसा लगेगा, इसलिए अब हम लैपटॉप तो बेचेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सस्ते बेचेंगे थोड़े। ये कौन से लैपटॉप है जो बिक चुके हैं या जो बिकेंगे, ये सही वाले लैपटॉप होंगे, क्योंकि 45 दिन में हम पुरानों के लैपटॉप भी सही करके देंगे, उनके चार्जर भी, और अब जो अपने पास लैपटॉप पड़े होंगे उनको भी सेटमेंट करके सही बेचना शुरू करेंगे। फर्दर इट हैज बीन इंटरनली डिसाइडेड, एक बात अंदर ही अंदर कमरे में डिसाइड हुई है कि जो बंदा चार्जर लेने आएगा उसे हम मुफ्त में यूएसबी देंगे एज अ गुड जेस्चर। ये हाईलाइट किया था आपने, इंटरनली डिसाइडेड, इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस दोज आर कम्युनिकेटेड, तो अभी तक तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, अंदर ही अंदर हमने डिसाइड कर लिया कि हर चार्जर आने वाले को साथ क्या दिया करेंगे, यूएसबी। द मैटर वॉज रेस्ड विद, ये हम किधर चले गए, द मैटर वॉज रेस्ड विद द सप्लायर ऑफ चार्जर्स, हम कौन है, हम कौन है, WL, तो टांगे किसकी जली हैं, कस्टमर की, और हमने किसके खिलाफ केस कर दिया, सप्लायर, जिसने हमें क्या सप्लाई किया था, चार्जर, गुड, इस तरह का फीडबैक है ना, फिर चलता है बंदा। द मैटर वॉज रेज विद सप्लायर ऑफ चार्जर्स, उसका नाम क्या है, बैटरी लिमिटेड, हम भागे भागे बैटरी लिमिटेड के पास चले गए ऑन 20 जनवरी 2020, और साल खत्म होने के 20 दिन बाद BL admitted the fault, अपन गलती अपन का, उसने कहा गलती मेरा है, हम मानते हैं इस बात का, तो गलती हमारी है, एंड agreed टू ओनली adjust द कॉस्ट ऑफ defective chargers अगेंस्ट द फ्यूचर, और तुम्हें हम नए चार्जर तो नहीं दे सकते, लेकिन फ्यूचर में जब तुम चार्जर खरीदने आओगे तो हम उसके अगेंस्ट ये पैसे तुम्हारे पुराने वाले एडजस्ट कर देंगे, तो रीइंबर्समेंट तो होगी ना, रीइंबर्समेंट हो गई, तो agreed टू adjust का मतलब बता दें, वर्चुअली सर्टन, ये सारी बातें आप नोट कर रहे थे सवाल में, सादा सादा सी बातें, मैंने कहा था सवाल बहुत इजी था, तो वर्चुअली सर्टन है ये पैसे मिलना। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर योर असिस्टेंट, आपका जो छोटा शगीर्द है, हैज प्रपोज्ड अ प्रोविजन ऑफ 105.3 मिलियन, बोंगे ने कहा 105.3 मिलियन की प्रोविजन बुक कर लो, अब अंदर पता नहीं क्या कपड़ा, 105.3 की प्रोविजन बुक कर लो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोंगा कहते हैं एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कर लो 105.3 से, ला ले बंदा जूती तो फिर पा ले, मारने का जमाना नहीं है ना आजकल। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर्स टू बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड या टू बी एक्वायर्ड, हमने चार्जर खरीदने हैं, टू बी एक्वायर्ड, मुझे बता दें ये चार्जर हमने उनको कब तक खरीद के दे देने हैं, 15 जनवरी तक, 31 दिसंबर को हमने खरीदे नहीं होंगे, खरीद के देने हैं, और हमने वादा कब कर लिया है कि हम तुम्हें दे देंगे, साल से पहले, किसको खरीद के देंगे, कस्टमर्स को खरीद के देंगे, होलसेलर्स और रिटेलर्स को क्यों चार्जर खरीद के देंगे, असल में सिर्फ हमने डायरेक्ट कस्टमर्स को चीजें नहीं बेची होंगी, बल्कि हमने कुछ होलसेलर्स और रिटेलर्स को भी बेची होंगी ताकि वो भी आगे हमारी चीजें बेचें, तो शायद हम डायरेक्ट सेल भी कर रहे हैं और हम होलसेलर रिटेलर्स को भी बेच रहे हैं, उन्होंने भी आगे बेचने, तो उन्होंने फोन करके कहा कि यार वो कस्टमर्स को तो आप दे रहे हैं तो हमें क्या करेंगे, आपने कहा आपको भी हम चार्जर दे देंगे, ये होलसेलर और रिटेलर के पास वो लैपटॉप हैं जो हमारी तरफ से बिक चुके हैं और उनके पास पड़े हुए हैं, उन्होंने आगे भी किसको बेचने हैं, अपने कस्टमर्स को।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चैंप विद WL. कुछ लैपटॉप्स का स्टॉक हमारे पास वैसे पड़ा होगा. मेरे ख्याल से तीन किस्म के लैपटॉप होंगे, एक वो जो कस्टमर को बेचे जा चुके हैं, एक वो जो होलसेलर रिटेलर को बेचे हुए हैं, और एक वो लैपटॉप होंगे जो हमारे पास पड़े हुए हैं. और हमारे पास पड़े हुए जो लैपटॉप्स होंगे उनके चार्जर हम क्यों रिप्लेस करेंगे? जाहिर बात है उनके चार्जर हम इसलिए रिप्लेस करेंगे कि अब जब कभी कस्टमर्स आएंगे, नए नए कस्टमर वैसे कब से आना शुरू होंगे, 15 जनवरी 2020 से. अब कभी नए कस्टमर आएंगे तो जो उनके पास लैपटॉप हम बेचेंगे उनको, वो नया वाला चार्जर ऑलरेडी लगा के देंगे ताकि उनको मसला ही ना आए. अच्छा मुझे बताएं, लाइबिलिटी फिलहाल किसकी बुक करूं मैं? लाइबिलिटी इन तीनों में से होलसेलर रिटेलर को नहीं. अगर आप कारोबार बंद भी कर दें तो आपने वादा कर लिया ना कि आपने चार्जर देने हैं, तो लाइबिलिटी किसकी बुक करें बोले? 6.8 की और 2.3 की प्रोविजन बुक हो जाएगी. अच्छा 4.9 का क्या करेंगे? जो लैपटॉप हमारे पास पड़े होंगे ना उनकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, उनकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, तो उनकी कॉस्ट को सामने रखेंगे. वो सवाल में देनी भी, जब उनकी एनआरवी निकालेंगे ना तो एनआरवी निकालते हुए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू रिपेयर एंड माइनस कॉस्ट टू सेल, उस कैलकुलेशन में इसे कॉस्ट टू रिपेयर के तौर पे ले लेंगे, क्योंकि ये खर्चा हो गया या होना है? होना है. क्या इस खर्चे के लिए लाइबल फील करें किसी की तरफ, या ये चीजें अभी हमारे पास ही पड़ी हैं? हमारे पास अगर पड़ी हुई चीजों के बारे में पता चल जाए कि ये खराब हैं, तो क्या हम किसी की तरफ लाइबल फील करें या चीज को सही करवाएं? तो ये एनआरवी की जो कैलकुलेशन होती थी ना IS-2 में FR-1 इंट्रो की क्लास में, ये उस कैलकुलेशन में यूज हो जाएगी फिगर. लेकिन वो फिगर यूज करके मैं कुछ फिगर्स निकाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे लैपटॉप्स जो पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट नहीं दी हुई और उनकी एनआरवी भी नहीं दी हुई, एस्टिमेटेड फ्यूचर सेलिंग प्राइस भी नहीं दी हुई, तो उस कैलकुलेशन में ये यूज हो जाएगा. तो इस पे IS-2 लग जाएगा, एनआरवी की कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा. आगे चलें, रिकवरी फ्रॉम BL, ये रिसीवेबल होगा. 11.5 का रिसीवेबल बुक करूं, वैसे ICAP ने ना इसको क्या कहते हैं वो नहीं किया हुआ, कैलकुलेशंस नहीं की हुई. मेरे ख्याल से अगर रिसीवेबल आपने बुक करना भी है ना तो वो एक बड़ा एक टफ सी फिगर बनेगी. वो फिर कैसे बनेगी, आप पकड़ेंगे 11.5 और डिवाइड करेंगे 6.8 प्लस 2.3 प्लस 4.9. क्योंकि याद रखिएगा हम जो इससे 11.5 लेंगे ना वो हर किस्म के चार्जर का लेंगे, जो चार्जर हम कस्टमर को बेच चुके हैं उसका भी, जो होलसेलर रिटेलर को बेचने हैं बेच चुके हैं उसका भी, और जो चार्जर हमारे पास पड़े हुए वो भी तो नहीं से लिए हुए हैं. तो अगर प्रैक्टिकली सोचें तो मेरे ख्याल से इनसे जो 11.5 मुंह खोल के मांग रहे होंगे वो हर किस्म के चार्जर का मांग रहे होंगे, चाहे वो हमारे पास पड़े हैं चाहे किसी और के पास पड़े हैं. कोई बात समझ आ रही है? हम उन्हें सिर्फ क्या कहेंगे, जितने चार्जर तुमने हमें दिए थे उनकी मद में प्लीज 11.5 दे दो. वो कौन कौन से हैं? कुछ हम बेच चुके हैं और उसके अगेंस्ट प्रोविजन कितनों की बनाई हुई है. तो अगर आप रीइंबर्समेंट को तोड़ना चाहें ना तो प्रोविजन के अगेंस्ट जो रीइंबर्समेंट आनी है ना वो बता दें कितनी है. आप 7.475, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट. कितने से 6.8 और 2.3 की 9.1, और इसकी एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट 7.4. बाकी जो उनसे आने हैं वो फिर एनआरवी लॉस की कैलकुलेशन में ही शायद को एडजस्ट हो जाए कि इतना खर्चा हमारा होना है या क्या होना है, वो शायद उसी में हो जाए, लेकिन उसका डाटा उसने नहीं हमें दिया हुआ. तो ये ICAP ने वैसे ऐसी कैलकुलेशन की नहीं हुई, लेकिन रिसीवेबल मेरे ख्याल से सिर्फ कितना बुक करना चाहिए, जिनकी क्या रिकॉर्ड की है, प्रोविजन. प्रोविजन कितनों की रिकॉर्ड की है, तीनों की या दो की? अगर प्रोविजन दो की है तो रिसीवेबल भी दो का. बाकी चीजें अगर जानी है तो किस कैलकुलेशन में जानी है, एनआरवी की कैलकुलेशन में. हमारे स्टॉक के अगेंस्ट जो इनकम आएगी वो सारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वगैरह एनआरवी की कैलकुलेशन में आ जाएगी. ओके अगला तो आसान है यार, अगला बता दें क्या करना है. 5.8 का
और यार ऐसे तो ना करें, द ऑब्लिगेशन फॉर द पेमेंट ऑफ रुपीज इज नीदर अ लीगल नॉर एज द मैटर इज नहीं स्टिल अंडर कंसिडरेशन, नहीं उन्होंने लिख दिया कुछ, हैज ओनली बीन इंटरनली डिसाइडेड एंड नो फॉर्मल अनाउंसमेंट इज मेड, देयरफॉर नो प्रोविजन और नो डिस्क्लोजर इज, इस तरह लिखाएंगे या 5.8 नथिंग विल बी डन एग्जामिनर अगले चलो इस तरह लिखेंगे तो इन सफों को जाके गले लगाएंगे आज, पेज 246 को गले लगाना है दोपहर को और शाम को पेज 247 को गले लगाना है इसमें ये चले जी आगे ये सवाल आधा हो जाना था वैसे पेपर में बच्चों से भाई करें आधे से ज़्यादा हो जाना था, आधा हो जाना था क्यों नहीं हो जाना था, आगे चलें कॉस्ट ऑफ यूएसबी टू बी गिवन इसकी लाइबिलिटी बुक करें या नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इसका क्या करें, एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट्स, लिटिगेशन कॉस्ट मीन्स लॉयर वगैरह को पैसे देने होंगे एंड सेटलमेंट्स, और वो जिनकी टांगें जली हैं उन्होंने पैसे मांगे हैं ना, असल में ये बात पता है कहाँ से लिंक हो रही है, ये बात अब लिंक हो रही है कहाँ से, सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज सेवरल कस्टमर फाइल्ड क्लेम्स, असल में यहाँ से ये बात अब लिंक हो रही है, तो सेवरल कस्टमर्स ने क्लेम फाइल कर दिए हैं, आप अगर घर जाके देखिएगा तो आपको हर बात ना लिंक होती हुई नजर आएगी, कस्टमर्स को हमने वादा कर लिया देने का, तो कस्टमर्स को कहाँ वादा किया है, ऑन 25 सितंबर वी अनाउंस्ड, तो हर बात नीचे वाली ऊपर से क्या हो रही है लिंक हो रही है, तो कस्टमर्स को हमने रिलैक्स कर दिया कि तुम्हें चार्जर दे देंगे और सप्लायर से हम पैसे ले लेंगे, होलसेलर रिटेलर को भी पैसे दे देंगे या चार्जर उनके रिप्लेस करा के दे देंगे, और जिन्होंने कहा है कि हमारी टांगे जल गई लैप्स जल गई हैं तो उनको क्या करना है, एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स फॉर डैमेजेस, ऊपर डैमेजेस का लफ्ज़ ढूंढें, डैमेजेस होता है जुर्माना, लोग कह रहे हो भाईजान साड़ियाँ लत्तां जल गई हैं ना, तुम चार्जर दे के टरखा रहे हो, चार्जर देने से हम नहीं टरखेंगे, ये जो हमें आग लगी है इसका बदला दो, तो जुर्माने मांग रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज टू कस्टमर्स इंक्लूडिंग 5.4 मिलियन फॉर क्लेम्स इन जनवरी 2020 एंड 10 मिलियन फॉर क्लेम्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, क्या है 25.9 क्या है, 5.4 क्या है, 10 क्या है, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं, अब सोच लें, टोटल कितना है 25.9, टोटल है जी 25.9, 25.9, जरा फिक्रा पढ़ो, मैं पढ़ लेता हूं, कह रहे बड़ा फिक्र है, अच्छा एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इंस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज टोटल 25 है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का क्या मतलब है, 25 में दो चीजें शामिल हैं या नहीं, 5.4 फॉर क्लेम्स मेड इन जनवरी, 5.4 फॉर क्लेम्स मेड इन जनवरी, 5.4 फॉर क्लेम्स मेड इन जनवरी एंड 10 फॉर क्लेम्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, 10 फॉर क्लेम्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, और आपको पता है जगम दिसंबर से ये मसला खड़ा हुआ है, तो बाकी क्लेम्स इधर हो गए होंगे, तो बता दें बैलेंसिंग बोले 10.5, कुछ समझ आई बात की, अच्छा अब IS-10 लगना है जी, इधर IS-10 लगना है, पहले तो IS-37 लगा के बता दें, ये सारे पैसे देना प्रोबेबल है पॉसिबल है, सारे पैसे क्यों, सारे क्यों नहीं, सारे पैसे देना प्रोबेबल है, व्हाई नॉट सारे पैसे देना प्रोबेबल है जी मोहतरम, किधर गया IS-10-37 ऊपर है, ये तो खुला हुआ, तो इन चीजों के नखरे नहीं खत्म होते, सेशन आइए
अच्छा जी बताएं बैलेंसिंग कितने हैं? 10.5 एज पर IS 37 देर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे 10.5 एंड 5.4 एंड 10 मिलियन एज वेल बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री अमाउंट्स रिलेट्स टू सर्कमस्टांसिस डेट एग्जिस्टेड एट. इसमें 10.5 पे तो शायद IS 10 भी लगाने की जरूरत नहीं है. मैं जरा ज्यादा बारीकी में जा रहा हूं, एक अपने इतना डिस्कस नहीं किया हुआ. 10.5 पे तो IS 10 भी लगाने की जरूरत नहीं है. जब कस्टमर्स ने मांग लिए हैं, एक तो सवाल पहले पढ़े ना जरा लिखा क्या हुआ है. सवाल में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स. ये एक्सपेक्टेशन आपने किससे लगवाई होगी जरा मुझे बताएं. एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट इन सेटलमेंट रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स किससे लगवाई होगी? आपने अपने लॉयर से लगवाई होगी. लॉयर ने क्या कहा है? लॉयर ने कहा मेरे ख्याल से 25.9 देने पड़ेंगे. उसमें से 5.4 कुछ लोग मांगने कब आ गए? जनवरी में. बाकी कब मांगने आएंगे? फ्यूचर में. वो लाइन में सवाल में लाइन समझ आई जितना फरवरी क्यों लिखा हो तो ऊपर हम इधर खड़े हैं. फ्यूचर में कितने मांगने आएंगे? 10. मुझे बता दें इस 10 का भी पास्ट इवेंट हमारे साल में हुआ है. अभी IS 37 की डिस्कशन कर रहा हूं. इस 10 का भी पास्ट इवेंट हमारे साल में हुआ है. अब मिसाल दे दो, क्लास के अंदर खुदा ना खास्ता किसी वजह से कोई मसला हो जाए, कोई चूहा दौड़ पड़े और सारे बच्चों को तंग करे. अब कुछ बच्चे इधर आ गए पैसे लेने के लिए जुर्माना, कुछ बच्चे इधर आ गए और कॉलेज वालों को पता है कि सुना सुनी कुछ बच्चों ने और भी आने, तो लाइबिलिटी तो तीनों की बुक होगी ना. ये तो तुक नहीं है कि जो जिन्होंने बाद में आने उनकी लाइबिलिटी बुक नहीं करनी. याद रखिएगा लाइबिलिटी के लिए पास्ट इवेंट देखना पड़ता है. ये जो लोग आएंगे ये भी जख्म दिसंबर या उससे पहले इंजर हुए होंगे, ये लोग भी जख्म दिसंबर या उससे पहले इंजर हुए होंगे. जख्म दिसंबर से तो हमने लैपटॉप बेचने बंद कर दिए हुए हैं. और ये लोग भी जो आएंगे तो ये आ चुके हैं. अगर मैं जख्म फरवरी पे खड़ा हूं ये भी आ चुके हैं और ये आने वाले हैं. अब जिसने भी आना है जब ये आएगा तो इवेंट पास्ट में कोई ना कोई हुआ होगा, तो इसलिए इन तीनों की प्रोविजन बुक होगी, तीनों अमाउंट्स की प्रोविजन बुक होगी. ऐसे ही सवाल वाले ने परेशान करने के लिए हमें ब्रेकअप देने की कोशिश की है. तीनों की प्रोविजन बुक होगी बिकॉज तीनों का पास्ट इवेंट हमारे साल में हुआ है. वो क्या है? अब अगर ज्यादा तफसील में आपने जाने तो इन दोनों पर IS 10 लगेगा, 10 और 5.4 पे. क्यों? बिकॉज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसिस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट. तो पूरे 25.9 की एंट्री कर लें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट हमारे साल ही होगी. हम हमेशा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होना है, तो एक्सपेक्टेशन में कुछ तो 5.4 वाले पक्के पता चल गए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह आएंगे और जान लेके जाएंगे. इसमें लॉयर की फीस भी है और उन अगर पे कर दिए तो फिर कैश क्रेडिट कर दो, अगर सवाल नहीं बता रहा तो वो भी प्रोविजन बना लो. आगे बढ़े जी. डिक्रीज इन WL शेयर प्राइस इन दिसंबर 2019 में हमारे शेयर की प्राइस गिर गई है जी. क्या करें यार? एक चीज बताएं मुझे, जब कंपनी शेयर इशू करती है क्या एंट्री करती है कंपनी? WL ये एंट्री करेगी. और जो शेयर होल्डर होगा इन्वेस्टमेंट डेबिट. अब जब शेयर प्राइस कम हो जाएगी 10 रुपए से 8 रुपए पे आ गई, 7 रुपए पे आ गई, तो कंपनी की एंट्री करेगी? कोई नहीं. शेयर कैपिटल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा रहता है, शेयर कैपिटल तो उसी पे पड़ा रहता है. शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होते. ओ भाईजान, अगर आपने एंट्री करानी है तो शेयर होल्डर्स नहीं बाय, वो कंपनी इश्यूअर नहीं करेगी. कंपनी तो इश्यू करने वाली है शेयर्स. अगर शेयर की प्राइस गिर रही है तो कंपनी एंट्री करे या इन्वेस्टर एंट्री करे? तो शेयर होल्डर एंट्री करेगा, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे. याद रखिएगा अपनी शेयर प्राइस गिरने की PTCL कोई एंट्री नहीं करती. लेकिन अगर PTCL ने किसी और के शेयर खरीदे हो और उसकी शेयर प्राइस गिर जाए फिर PTCL एंट्री करती है. अपनी शेयर प्राइस इशू गिरने की कौन सी एंट्रियां होती हैं? तो बोंगी है. अपनी शेयर प्राइस कम होने की कोई एंट्री नहीं होती. दोनों एंट्री विल बी मेड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कितने की लिखें? ये तो हमारी शेयर प्राइस गिरी है, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी. अपनी तबीयत गिर जाए तो कोई एंट्री नहीं होगी. तो कौन परेशान होगा? जिसने मेरे शेयर खरीदे हैं वो एंट्रीज करे कि शेयर प्राइस गिर गई है. मैं क्यों नहीं परेशान? क्योंकि मैंने शेयर खरीदे नहीं हुए, मैंने तो शेयर इशू किए हैं. डन.
आगे बता दें, मोंगी को मारा है वो। मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन 2020 टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी बाय इंसिडेंट्स। कहते हैं मैंने मार्केटिंग करनी है इंशाल्लाह अगले साल, और लुट मचा देनी है और सारी मेरी बैड विल जो हुई थी वो गुडविल में बदल जानी है। क्या करें, फ्यूचर की मार्केटिंग अवॉइड हो सकती है? फ्यूचर की मार्केटिंग अब आप छोड़ें, पर इसकी तो कोई लायबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर मार्केटिंग हो जाए और उसका बिल पे ना किया हो, अभी तो हमारा इरादा है मार्केटिंग करने का, इसकी तो कोई एंट्री नहीं सिरे से बनती। डिक्रीज इन जीपी फॉर 2020 ड्यू टू रिडक्शन इन सेल प्राइस। सेल प्राइस कम होने की वजह से 2020 का जीपी काफी कम होने वाला है हमारा। इट इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। 2020 इज फ्यूचर, फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? लॉस आएगा। क्या करें इसका हल? के अवॉइड कर दें, यू कैन अवॉइड इट बाय क्लोजिंग द बिजनेस। तो आपको कैसे पता चला ये फ्यूचर लॉस है? कोई लॉस ढूंढे, अगले साल का जीपी कम हो, अगले साल लॉस आ जाना है। लेकिन अगर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता और ये लैपटॉप बेचने का मुआहिदा किसी से हो चुका होता और फिर लैपटॉप सस्ते बिकने होते, फिर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। लेकिन अभी ये ऑनरेस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि किसी से कोई वादा नहीं है। अगले अब आप कॉलेज वालों को जाके कहें अगले साल आपको जीपी कम माने, और जॉब कॉलेज बंद कर देते हैं जीपी कम आने के लिए, बिस्ती कराने से बेहतर है कॉलेज बंद कर दो। तो ये वही बात है ना, अगले साल जीपी क्या आने? ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है या प्रेजेंट ऑपरेटिंग लॉस है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस कैन बी अवॉइडेड। आई के आपको ना अमाउंट्स लिखनी चाहिए थी और आप पेपर में लिख के आया करें। इस अटेम्प्ट में पता नहीं क्यों उसने बोंगी मारी है और अमाउंट्स जो है वो नहीं लिख के आया। हमें जल्दी से पढ़ो क्योंकि इनकी क्लास है सवा एक, फिर पॉइंट बी इनके जाने के बाद करते हैं। अ प्रोविजन वुड बी रिकॉर्डेड इन 2019 फॉर द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर टू कस्टमर्स बिकॉज द पास्ट इवेंट इज सेल ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स। ये लिख के आइएगा पेपर में, जहाँ इसने कंजूसी की हुई थोड़ी सी। ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अनाउंसमेंट मेड ऑन 25 December, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर इन ओवर स्टॉक वुड बी कंसिडर्ड। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर इन ओवर स्टॉक, वो कितने रुपए थे ओवर स्टॉक वाले? 4.9 ना, 4.9 वुड बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग एनआरवी लॉस। WL विल कंपेयर द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद एनआरवी। रीइंबर्समेंट कितने की है? 11.5। रीइंबर्समेंट फ्रॉम BL वुड बी रिकॉर्डेड इन 2019 बिकॉज इट इज वर्चुअली सर्टन डेट वी विल रिसीव बाय एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्जेस अगेंस्ट द फ्यूचर परचेजेस। ये सवाल से अंग्रेजी उठाई है उसने। अच्छा, अगर ये सारा आपने लिख के आना है तो आप हाउ टू राइट डाउन वाले में से भी तो लिख के आ सकते हैं। हाउ टू राइट डाउन वाले में से क्या लिख के आ सकते हैं? एक्सपेंस वाला और प्रोविजन वाला याद है? हाउ टू राइट डाउन, एग्जामिनर ने इतना ज्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ, हम ये पेपर में ऐसे लिख के आएंगे। एज ऑन फलां डेट वी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर डिफेक्टिव चार्जेस बिकॉज एट द रिपोर्टिंग डेट देर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट विच इज सेल ऑफ लैपटॉप एंड आर डिफेक्ट अरोज रुपीज इतने फॉर द पेंडिंग क्लेम बाय द फलां फलां। पेंडिंग क्लेम की जरूरत नहीं, रुपीज इतने कितने थे? रुपीज 6.8 प्लस 2.3 वुड बी रिक्वायर्ड टू पेड, देयर फॉर अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतने। इस तरह भी हम लिख के आ सकते हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर ने डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। और इसमें ऑब्लीगेशन की नेचर क्या, लीगल या कंस्ट्रक्टिव? आगे देर इज नो लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन फॉर USB, लेकिन हम ये नहीं लिख के आएंगे। आपको पता है हम जरा तफसील से लिख के आते हैं। द ऑब्लीगेशन फॉर पेमेंट ऑफ USB इज नीदर अ लीगल नॉर अ कंस्ट्रक्टिव, और ये सारी बात लिख के, देयर फॉर नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। लेकिन आई के आपने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, शायद सवाल लंबा था इस वजह से उसने। और उसके बाद प्रोविजन ऑफ 25.9 million शुड बी मेड इन 2019 फॉर एक्सपेक्टेड लिटिगेशन एंड सेटलमेंट कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल क्लेम्स बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। यहाँ क्या है, द फाइलिंग ऑफ क्लेम्स इन 2020 वुड बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर 2019 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या लाइन है, द फाइलिंग ऑफ क्लेम्स इन 2020 वुड बी एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर 2019 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये IS-10 वाली बात होगी ना थोड़ी सी। IS-10 कहाँ लिख के आना होता है? जहां सवाल में चलते चलते अगले साल की डेट आ जाए, तो फिर IS-10 लिख के आना होता है। तो साल के बाद भी अगर किसी ने आके मुंह से मांगे हैं पैसे, जैसे हमने सवाल किया था लास्ट लेक्चर ए में कि वर्कर ने 26 जुलाई को आके पैसे मांगे थे, तो फिर भी हमने कह दिया था इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्टिंग इवेंट इसे कहां से याद आ गया, चलते चलते IS-10 कहां से याद आ गया? ऐसे इतनी सी लाइन में डेट अगले साल की डली हुई थी ना, तो यहां थोड़ा सा इसे IS-10 याद आ गया। आगे द लॉस, ये कौन सा लॉस है?
अच्छा, हमारे वो जो शेयर्स की, द लॉस वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन डब्ल्यूएल बुक्स एज मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन बुक्स। शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमारी बुक्स में नहीं आती, बल्कि किसकी बुक्स में आती हो, शायद जिसने जिसने शेयर खरीदे हैं। मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन 2020 वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन 2019 एज देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू इनकर मार्केटिंग कॉस्ट। नो एंट्री नीड्स टू बी मेड फॉर डिक्रीज इन प्रॉफिट फॉर 2020 ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। हाउएवर इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस शुड बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एनआरवी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई प्राइसेस बढ़ जानी है और स्टॉक कोई पड़ा हुआ है, तो उसको किस टेस्ट से गुजार लें? लेकिन अगर कोई बना ही नहीं, ये भी तो लिख के आ सकते हैं, अगर कोई बना ही नहीं और बना के बेच रहे और फिर लॉस आना है, तो उसका क्या करें? बोले 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 हाँ, तो उसको फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस कहकर इग्नोर कर दें। तो ये दो बातें हो सकती हैं, पड़े हुए पे कौन सा टेस्ट लगा दें, एनआरवी, और जो बना ही नहीं और बन के बिकने, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। वो वाली बात भी आ सकती थी। ठीक है, जाएं जिन्होंने जाना है, मैं दूसरा पॉइंट पढ़ दूं। हो सकता है कोई एक आधा पास पेपर मैं और भी डिस्कस करूं 5-7 मिनट का, तो ये अटेंड कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा जी, पॉइंट टू पढ़ें। पॉइंट टू, लॉ की क्लास इनको जाने दें। पॉइंट टू नंबर 3272 इन नवंबर 2019 में, साल खत्म होने से कितने महीने पहले, 1-2 महीने पहले, इन नवंबर 2019 WL इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोमोशन स्कीम। इन्होंने एक प्रोमोशन स्कीम इंट्रोड्यूस की है, इन विच अ स्क्रैच कार्ड वॉज इंक्लूडेड इन ईच पैक ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। नवंबर 2019 के महीने में जो भी चीज़ बेचते थे, हम उसमें एक स्क्रैच कार्ड डाल देते थे। पुराने ज़माने में आपको याद है, वो बोतलें बिकती थी, तो बोतल के ढक्कन के अंदर जो है वो कोई प्राइस लिखा होता था। तो इस किस्म की ये कोई डील है। इन नवंबर 2019 WL इंट्रोड्यूस अ प्रमोशन स्कीम इन विच अ स्क्रैच कार्ड वॉज इंक्लूडेड इन ईच पैक फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये किस महीने में ऐसा किया हमने? इन नवंबर 19 WL ने एक प्रमोशन स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर उसने चीज़ें के अंदर स्क्रैच कार्ड डालते गए। दीज कार्ड्स कैरी कैश प्राइजेज रेंजिंग फ्रॉम ₹100 to ₹50,000। कुछ के अंदर इनाम 100 रुपये का था, कुछ में 200 रुपये का, कुछ में 500 रुपये का, कुछ में 10,000 का, और कुछ कुछ नसीबों को हमने 50,000 देने थे। एंड आर वैलिड फॉर क्लेम्स टिल 29 फरवरी। और ये लोग क्लेम करने कब तक आ सकते हैं? 29 फरवरी तक। आपने अक्सर देखा होगा बोतल के अंदर जो ढक्कन होता है, तो वो आप एक अरसे तक ही पेप्सी वालों के पास लेके जा सकते हैं। ये नहीं कि आप 10 साल पुराना ढक्कन लेके चला जाए, भाई जान मैं ढक्कन हूँ, मुझे ढक्कन मिला है, तो आप जो है इस ढक्कन के बदले मुझे ढक्कन दे दें, हाथ धोगी यार, तो ये बात तो नहीं होगी। तो किस महीने में हमने स्क्रैच कार्ड डाले अंदर? सिर्फ नवंबर में। नवंबर में स्क्रैच कार्ड डाले। वो जो चीजें लोग नवंबर में खरीद के लेके चले गए, कोई दिसंबर में डब्बा खोलेगा, कोई जनवरी में डब्बा खोलेगा, जब भी डब्बा खोले, डब्बा खोल के स्क्रैच कार्ड साइड पर रख दे, कोई परेशानी घर में आई हुई है, फरवरी तक हमारे पास आ जाएगा, हम उसे एंटरटेन करेंगे। हम वैसे खड़े गए सवाल में, यकम फेब को हम खड़े गए, यकम फेब को लोग कब तक आ सकते हैं? 29 फरवरी तक। क्या लेके? डब्बों के अंदर से स्क्रैच कार्ड लेके। फर्स्ट करें, हम प्रिंटर बेच रहे हैं, उधर लैपटॉप बेच रहे थे, हम प्रिंटर बेच रहे हैं, तो प्रिंटर के अंदर हमने स्क्रैच कार्ड डाले हुए। ऑल स्क्रैच कार्ड्स वर प्रिंटेड बाय सिस्टम। सारे स्क्रैच कार्ड किसने प्रिंट किए थे? सिस्टम ने। इसका मतलब है हमने हाथ से डाले हैं या सिस्टम ने प्रिंट किए थे? एंड पैक डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन कोई नहीं था, प्रिंटर से प्रिंट होते थे और डब्बे के अंदर जो है वो जो लग जाते थे खुद ही। एज पर द स्कीम WL हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड टोटल प्राइसेस ऑफ 25 मिलियन। स्कीम के मुताबिक हमने कितने के प्राइसेस डाले? 25 मिलियन को हमने तोड़ा होगा। 25 मिलियन को तोड़ के इसके 3-4 हजार हिस्से बनाए होंगे। कोई 100 रुपए का गिफ्ट, कोई 200 रुपए का गिफ्ट, कोई 300 रुपए का गिफ्ट, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 50,000 का। टोटल करते करते हमारी नियत क्या थी, कितने मिलियन के गिफ्ट देंगे? 25 मिलियन के। तो असूली तौर पे जो हमारे डब्बे हैं उनके अंदर कितने के गिफ्ट होने चाहिए अगर सारे डब्बे बिक जाएं? 25 मिलियन से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। एज एट ईयर एंड WL हैड ऑलरेडी रिसीव क्लेम्स ऑफ 32। एज एट ईयर एंड WL हैड ऑलरेडी रिसीव क्लेम्स ऑफ, तेरी खैर अब, एज एट ईयर एंड हमें कितने के क्लेम आ चुके हैं? पास्ट इवेंट क्या हुआ है? नवंबर में हमने डब्बे बेचे हैं और उसमें स्क्रैच कार्ड डाले हैं, 32 के क्लेम आ चुके हैं। एन इंक्वायरी हैज लेड टू द कंक्लूजन दैट सॉफ्टवेयर फॉर प्रिंटिंग स्क्रैच कार्ड हैज सर्टन प्रोग्रामिंग एरर्स। ये गेम किसने डाली है? हमने डाली है या हमारे सॉफ्टवेयर ने डाली है?
हमने बुला लिया अपने आईटी एक्सपर्ट को, भाईजान जी क्या सॉफ्टवेयर आपने बनाया, आपको प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती। एक दफ़ा जो है ना, एक पता नहीं स्कूल में कॉलेज में, इधर बच्चे का नाम और इधर फादर का नाम और इधर बच्चे की पोजीशन लिखी हुई थी। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आप जो है ना इसको ज़रा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। उसने पोजीशन वाइज बच्चे का नाम चेंज कर दिया लेकिन फादर का तो अब वो पोजीशन भी सही थी, बच्चा भी सही आ रहा था, लेकिन वल्द आगे गलत लिखा हुआ था। तो हर बच्चे तो इट इज़ ए प्रोग्रामिंग एरर। तो दिस एज एट ईयर एंड WL had already received claims of 32 million. 32 million के claim आ चुके हैं. An inquiry has led to the conclusion that software for printing scratch card has certain programming errors, which had led to printing of unknown amounts of total prizes as compared to the original plan. Original plan कितना था? 25 million. 32 के अभी तक आ चुके हैं, पता नहीं अब कितने आने हैं. वैसे जनवरी में भी आए होंगे, हम किस दिन खड़े हैं? ये कम फरवरी को, वो वाले हमें पता चल गए होंगे, और फरवरी में 29 फरवरी तक आने हैं, वो हमें नहीं पता होंगे. For further claim of 12 million had been received till 31 January. 31 January उसने इस वजह से लिखे ना कि हम जखम फरवरी पे खड़े हैं, तो एक और बात हमें पता लग चुकी है. कितने क्लेम्स और आ गए हैं? इंशाल्लाह बाकी कितने आने हैं कोई अंदाजा नहीं लग सकता. सिस्टम की एरर ऐसी खतरनाक एरर है कि हमें पता ही नहीं क्या होना फ्यूचर में हमारे साथ. कितने कितने क्लेम आ चुके? 32. कितने और आ गए? 12. फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने 29 फरवरी तक? इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा और बड़ा बुरा बताएगा. पता चले 34-35 मिलियन के और क्लेम आए हों, लेकिन क्या आने फ्यूचर में कोई अंदाजा? कुछ पहले तो बताएं 32 और 12 मिलियन की क्या जर्नल एंट्री करूं? पास्ट इवेंट बताएं. नवंबर में स्क्रैच कार्ड उसमें डाल देना, ये इसका पास्ट इवेंट है. तो 32 और 12 की क्या एंट्री करूं? हाँ, IS-10 लगाएं. IS-10 के मुताबिक 12 को भी उठा के इधर ले आए. IS-10 के मुताबिक 12 को भी इधर उठा के ले आए. चाहे क्लेम इधर हो चाहे हमारे साल के बाद हो, हमने चीजें कब बेची हैं? नवंबर में. तो इट मींस इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. तो इसलिए IS-10 लगा के ना 12 को तो इधर ले आए, तो 12 की टेंशन नहीं है. 12 जमा 32, 44 की प्रोविजन बुक हो जाएगी. एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है. ये 44 किन को देने हैं हमने? कस्टमर्स को देने हैं. इसके बारे में क्या करेंगे जो हमारे साथ हो गए या होने वाले हैं? होने वाले. पता है क्या होने वाला है? नहीं नहीं, पता है क्या होने वाला है, ये तो पता है ना क्या होने वाला है, लेकिन कितना होने वाला है? लेकिन होना है, लेकिन कितना होना है? लेकिन पता है कि होना है, लेकिन पता है कि कितना होना है, लेकिन होना है. ये बता दें, होना है, कितना होना है? पता नहीं कितना होना है, लेकिन होना है, लेकिन होना है. ये जरा ढूंढें, होना है लेकिन पता नहीं कितना होना है. ढूंढें कहीं, होना है लेकिन पता नहीं कितना होना है. फर्स्ट टाइम ICAP ने हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया. देख लिया आपने ऊपर? नो रिलायबल एस्टिमेट. लेकिन होना है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट. नवंबर में हमने चीजें बेची हैं. प्रोबेबल आउटफ्लो है, कंफर्म है, 100% यकीनी है कि होना है हमारे साथ, लेकिन कितनी अमाउंट देनी है हमने? अब बताएं क्या करें? डिस्क्लोज. गिविंग एन एस्टीमेट ऑफ, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट. अब एस्टीमेट पता नहीं कैसे लगना है, वो तो चले डिस्क्लोजर का पार्ट है ये. अंदाजा बता दें अगर कोई एस्टीमेट है, नहीं अंदाजा तो फिर आप बता दें कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता. तो अब प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है भाईजान, ये 100% कंफर्म है. ये तो आप 95% से भी ऊपर की बात है, क्योंकि नवंबर में हम चीजें बेच चुके हैं और कुछ लोग आ गए हैं दिसंबर तक, कुछ जनवरी में आ गए हैं, और कुछ ने कब आने? फरवरी में. 29 फरवरी तक हमने उन्हें मौका दिया है आने का, तो क्या फरवरी के महीने में भी वो आते रहेंगे? वो फिर आप जो मर्जी कर लो, कहते सिस्टम ने डाली इतने की हैं. अगर अगलों के पास चांस है 29 फरवरी का, हर बंदे को अगर पता है कि मैं 29 फरवरी तक आ सकता हूं, तो आप मुझे पाकिस्तानी अवाम में सामने रख के बताएं, कॉलेज वाले कोई ऑफर दें कि यार फलां तारीख तक आ जाना, तो आप आखिरी तारीख तक वेट करते हैं? यार कब, छोड़ यार, ओ यार आखिरी 28 फरवरी को लाइनें लगी होती हैं भाई, ओ ये आखिरी दिन है, जल्दी कर. तो लोगों की नेचर भी तो समझो ना, लोग आमतौर पर आते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन कुछ लोग एंड पे भी आने वाले होते हैं. तो इंशाल्लाह फरवरी में आएंगे और होगी हमारे साथ, तो ये नहीं पता कितनी होगी. होगी सही, क्लियर? ओके, तो जरा सोल्यूशन बताएं. सोल्यूशन
मजा आ रहा है. इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स रिसीव टिल ईयर एंड 32 मिलियन. WL विल रिकॉर्ड एन एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट. फर्दर क्लेम ऑफ 12 मिलियन रिसीव ड्यूरिंग जनवरी 2020 वुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस. ये क्या थोड़ा सा बीच में डाल देते हैं बात, बी रिकॉर्डेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट. ये क्यों बीच में आ गई है? बस ये 32 जमा 12 ही के लिख देता. IS-10 पता कैसे चलता है? पेपर में लगना है. हमारे साल के ना बाद की कोई फिगर्स दी होती हैं, हमारे साल के बाद की डेट्स दी होती हैं. ये बीच में चलते चलते ऐसे ही हल्का फुल्का ना IS-10 का चीनी की तरह टच डाल जाता है. असल तो चाय है. इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग क्लेम्स वो कितने हैं? ना 12 ना 32, वो किस महीने में होने हैं? फरवरी में, क्योंकि 29 फरवरी तक ऑफर वैलिड है ना. विच हैव नॉट येट बीन रिसीव. WL हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो वाली लाइन उसने लिखी है, हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट. It is probable that an outflow of economic benefit will be required. Or reliable estimate के ऊपर ICAP ने लिखा है, as cards of higher amount were printed and issued as compared to original plan, but amount could not be. ये लाइन सवाल से उठाई है. But amount could not be determined due to absence of human intervention in the printing of sale. It should be disclosed as a contingent, giving brief description that amount cannot be. मैयर रिलायबली. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें इवेंट की और ये बता दें अमाउंट रिलायबली मैयर नहीं हो सकती. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 कर दें फिर छुट्टी है. क्वेश्चन नंबर 18. ऑन 16 जून 2020 साल खत्म होने से 14 दिन पहले. On 16 June 2020, an aircraft of Sukhoon Airlines made an emergency landing near a factory building. जहाज गिर गया. जहाज जा रहा था, जहाज उतरना चाह रहा था, जहाज उतर नहीं सका, जहाज गिर गया. Made an emergency landing near a factory building. जहाज वाले ने खूब कोशिश की कि दरख्त ढूंढूं, जंगल ढूंढूं, दरिया ढूंढूं, वहां जाके गिरूं, लेकिन एक फैक्ट्री की बिल्डिंग नजर आई. जहाज वाले ने कहा ट्राई करता हूं. तो दो ऑल पर्सन ऑन बोर्ड वर सेफ. पायलट, एयर होस्टेस और सवारियां अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, सारे महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है. जहाज में कुछ ऐसा बम नहीं फटा, जहाज के अंदर वाले महफूज हैं. वर सेफ. दो ऑल पर्सन्स ऑन बोर्ड वर सेफ. अब बोर्ड ये ना समझिएगा व्हाइट बोर्ड पे चढ़े हुए थे लोग. द ऑल द पर्सन्स वर सेफ. द नियर बाय फैक्ट्री वॉज डैमेज्ड. लेकिन फैक्ट्री जहां पे आपने, वो रनवे तो नहीं है ना, वो तो टनवे है, तो वहां पे जाके लगे तो फैक्ट्री तो भी टुन हो गई. तो एज अ रिजल्ट टू वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइव्स. उस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में आज तक हमें कभी गए नहीं थे, पायलट ने देखी नहीं थी वो फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर दो बंदे मार गए पायलट के मारने की वजह से, और पांच बंदे इंजर हो गए. पांच बंदे अस्पताल पहुंचे हैं, दो बंदे कब्रिस्तान पहुंचे हुए हैं. 2 जमा 5 7. ज्यादा पैसे किसको देंगे? मरने वालों को. अच्छा, मरने वालों को तो नहीं देंगे, उनके वरसा को दे देंगे. आफ्टर 1 वीक ऑफ दिस एक्सीडेंट. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 जून लिखे. 23 जून डेट लिखा करें. 23 जून हमारा सीईओ आगे आया. लोग बंदे भेजते हैं, हमने सीईओ भेज दिया. हमारा सीईओ ने इन्फॉर्म किया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट SL विल पे 1.5 मिलियन फॉर ईच लॉस ऑफ लाइफ. 15-15 लाख जो है, जो लोग मरे हैं उनको दे देंगे, और जो जिंदा है उनको 10-10 लाख दे देंगे. क्लियर होगी ये बात? कोई लफ्ज ढूंढे आपको बता रहा हूं, बड़े आसान सवाल आते हैं, इसमें लफ्ज ढूंढा करें. क्या इन्फॉर्म्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने तक रखा हुआ या कम्युनिकेट कर दिया? कम्युनिकेट कर दिया. तो कौन सी ऑब्लिगेशन बन गई? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई. लिख के कैसे आना है? हाउ टू राइट डाउन इन पेपर. हाउ टू राइट डाउन इन पेपर. एज ऑन 30 जून कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एंड पास्ड अवे एम्प्लॉइज या पास्ट अवे वर्कर्स. बिकॉज एट द रिपोर्टिंग डेट देर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट इज इंजरीज एंड डेथ ड्यू टू फलांचीज बिफोर हियर एंड. रुपीज तो आसानी से निकल आएंगे. 1.5 मिलियन और 1.5 3 कितना हो गया? 1.5 2 3 3 मिलियन जमा 5 8 मिलियन. तो ₹8 मिलियन फॉर द पेंडिंग क्लेम तो नहीं है ये, तो बल्कि हमने खुद ही कम्युनिकेट कर दिया. उन्होंने तो क्लेम किया ही नहीं, हमने खुद ही कम्युनिकेट कर दिया. रुपीज इतने इज मोस्ट लाइकली डेट कंपनी वुड रिक्वायर टू पे
एज एडवाइज बाय कंपनीज लॉयर क्लब लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कम्युनिकेटेड बाय अस, इस तरह लिखा जाएगा कंपनीज लॉयर की जॉब. सो देर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, देयर फॉर अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतने. तो इस तरह इसे इंग्लिश आप ठाकर लिखेंगे. आगे चलें. ऑन 8 जुलाई 2020, यार ये साल के बाद की डेट आ जाती है. अच्छा 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 वाला सवाल चल रहा होता है, साल के बाद की डेट आ जाती है, ये पता नहीं किस किस लिए. अभी IAS 10 का अभी तक मैंने कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन बीच में चलते रहते साल के बाद की डेट आ जाती है. वैसे हादसा तो साल से पहले हो चुका है मेरे ख्याल से, 16 जून को. ऑन 8 जुलाई 2020, साल खत्म होने के 8 दिन बाद फैक्ट्री का मालिक आ गया. हमने कहा यार तेरे वर्कर्स को पैसे दे दिए, कहते हैं वर्कर अपनी जगह, मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंगों को आग लगा दिया तूने, अंदर मशीनें पड़ी हुई थी, फर्नीचर पड़ा हुआ था, चपेड़े मारूं तुझे. तो ऑन 8 जुलाई द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन फॉर फैक्ट्री डैमेजेस. तूने मेरी फैक्ट्री डैमेज कर दिया, वर्कर अपनी जगह, उनको पैसे दे के आ, जरा मेरे पास आ दो. द केस इज स्टिल पेंडिंग, ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि हम कह रहे हैं पैसे नहीं देने होंगे. हाउएवर लॉयर हर जगह बीच में आ जाता है, इज ऑफ द व्यू डेट देर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी डेट अमाउंट वुड बी 20 मिलियन एंड 30% प्रोबेबिलिटी डेट अमाउंट वुड बी 15 मिलियन. ये आपको कौन सी केस हारने जीतने वाली बातें लग रही हैं, या अमाउंट्स के साथ परसेंटेजेस मिल रही हैं? अमाउंट्स के साथ परसेंटेज मिल रही है ना. 70% चांस डेट वी विल पे 20, 30% चांस डेट वी विल पे 15. तो ये अमाउंट के साथ मिल रहा है. आप बता दें दोनों को कुछ एवरेज एवरेज ले लें. एक बार याद रखिएगा, उस 20 में ये 15 भी शामिल है, या मैंने 20 देने या मैंने 15 देने. अब ये ना कहेगा 15 कोई अलग से चीज है. अच्छा उसने मुंह खोल के मांगा कितने? 25. या मैंने 20 देने या मैंने 15 देने, क्या सोचूं 20 देने या 15 देने? उसने मांगा कितना? 25. कितना देना है? मोस्ट लाइकली वाला ले लेना. कितना देना है, कितना शायद देना पड़ जाए? 5. तो इसकी प्रोविजन बना लें और 15 को काट दें सवाल से, और 5 की क्या करें? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. ये देंगे या शायद देना पड़े? शायद देना पड़े. तो ये वही जो सवाल हमने लेक्चर पार्ट ए में किया था उसी तरह. अच्छा इसमें थोड़ा सा IAS 10 का टच भी डालना है या नहीं डालेंगे इस वाली पॉइंट में? डाल देंगे. हाउएवर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट रिलेट्स टू अ हादसा विच एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट. तो हल्का सा जब साल के बाद की डेट आया करे तो IAS 10 का टच करा दिया करें. और अगर ये 8 जुलाई की जगह 28 जून लिखा होता फिर IAS 10 की कोई जरूरत नहीं थी, फिर IAS 10 की कोई जरूरत नहीं थी. तो साल के बाद की डेट एक इंडिकेशन होगी कि हमसे क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, IAS 10 भी. और ये वाला नॉलेज IAS 37 वाला है. अच्छा वुड का मतलब होता है आपको पे करने पड़ेंगे, केस हारना ही है, बट करने कितने रिलायबल एस्टिमेट का फट है उसके लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया. ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, भाई बात खत्म कर दे और क्या, आप जहाज ही डूबे क्या हुआ है? ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, कहते हैं एक और बात मैं आपको बता दूं, एक्सीडेंट की वजह से ना एयरक्राफ्ट वॉज डैमेज. ओए जहाज खुद भी तो डैमेज हुआ है ना, एक तो वर्कर मरे, दूसरा फैक्ट्री को आग लगी, और तीसरा क्या डैमेज हो गया? जहाज खुद भी डैमेज हो गया, पर कहीं गिरे हुए हैं, टायर कहीं गिरे हुए हैं. ड्यू टू दिस इंसिडेंट द एयरक्राफ्ट वॉज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, और रिपेयर नहीं हो सकता, ऐसे बुरे तरीके से है. पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है अंदर सवारियां बच गई हैं, कोई खास ही करम फरमाई हुई है अल्लाह की, वरना जिस तरह जहाज डैमेज हुआ है मुझे लगता नहीं था. ड्यू टू दिस एक्सीडेंट द एयरक्राफ्ट वॉज डैमेज बियॉन्ड, इतने बुरे तरीके से जहाज के ऊपर खच्चे उड़े हैं कि जहाज अब रिपेयर भी नहीं हो सकता. एंड कॉन्सिक्वेंटली SAL cannot use this aircraft anymore. इस एयरक्राफ्ट को अब हम यूज नहीं कर सकते. बैग ना बंद कर, मेरा भी दिल चाहेगा. द एयरक्राफ्ट वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज, हमारा जहाज नहीं है. हमारा कहाँ इतना लेवल के हमारा जहाज हो, ये हमने किराए पे लिया हुआ है. ये हमने किस पे लिया हुआ है? किराए पे लिया हुआ है. द एयरक्राफ्ट वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन मंथली रेंट, अच्छा बाहर के मुल्क से किराए पे लिया हुआ है. द एयरक्राफ्ट वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन $0.5 million फॉर 10 months. तो एयरक्राफ्ट वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन मंथली रेंटल ऑफ $0.5 million, हाँ शॉर्ट टर्म लीज है, सही कह रहे हो, फॉर 10 months एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर 2020. ये 0.5 million पर मंथ है या 10 महीने का किराया है? यार 10 महीने का किराया कहाँ है यार, खुदा का खौफ करो. द एयरक्राफ्ट वॉज एक्वायर्ड ऑन मंथली रेंटल ऑफ 0.5 फॉर 10 months. आप बताएं ये पर मंथ किराया है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से तो ये 10 महीने का किराया निकलेगा. लेकिन अभी सबर 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 अभी सबर, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना 10 से. लीज कब एक्सपायर हो रही है? 31 अक्टूबर 2020 को. और अब देखना पड़ेगा लीज कैंसलेबल है या नॉन कैंसलेबल, और लीज की पेमेंट्स करनी है या नहीं करनी. हादसा किस दिन हो गया? 16 जून को. अब देखना है, मेरा तो दिल पता है क्या चाहेगा,
कि जून का भी किराया ना दूं आधे महीने का, जुलाई का भी किराया ना दूं, अगस्त का भी किराया ना दूं, सितंबर का भी किराया ना दूं और अक्टूबर का भी किराया ना दूं। जून का किराया क्यों ना दूं? क्योंकि जून के आधे महीने में तो जहाज ही नहीं है, तो फिर किराया किस चीज का देना? लेकिन लेसर अब पता नहीं क्या कहता है, देखते हैं लेसर क्या चाहता है। मेरा तो वैसे दिल चाह रहा है किराया ना ही दूं, जून के 15 दिनों का भी ना दूं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का तो वैसे ही मैंने किराया नहीं देना, क्योंकि मेरा दिल चाहेगा ना दूं, क्योंकि मेरा दिल चाहेगा जहाज ही नहीं है तो किराया किस चीज का? क्योंकि सवाल ने वाजे लिख दिया जहाज कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन मंथली फ्ला एज पर द लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ था इफ एयरक्राफ्ट फेसेस एनी एक्सीडेंट, अगर कोई हादसा हो गया तो SAL इज रिक्वायर्ड, तो पे करने पड़ेंगे, इज रिक्वायर्ड टू पे द मंथली रेंटल टू लेसर, इज रिक्वायर्ड टू पे द टिल द सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। मेरे ख्याल से ना इंश्योरेंस क्लेम तो हमने नहीं किसी के पास जाना होगा, वो जिसका एयरक्राफ्ट होगा ना बाहर वाले बंदे का, जिसे मैंने डॉलर में किराए पे तय किया हुआ है, वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा। अच्छा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब तक मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे लिफ्ट नहीं कराती तब तक तूने किराया देते रहना। उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने 31 अगस्त को उसे लिफ्ट करा दी, तो 31 अगस्त तक तो किराया देना पड़ेगा। फिर मेरे ख्याल से सिर्फ 2 महीने का किराया हमें बचेगा, सितंबर का और अक्टूबर का किराया बचेगा। ठीक है, अब आप मुझे बता दें, मैं अगर अपने ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन करता हूं तो क्या 30 जून को खड़े होके करूं? जी बिल्कुल, जून के 15 दिन के किराए की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट वो तो हो गया होगा खर्चा, और वो हमारी लाइबिलिटीज में अलग से नहीं आएगा, वो तो जून का है। मसला किसका है? इफ आई ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कैंसिल तो मैं कर नहीं सकता, कुछ सवाल में लिखा नहीं हुआ। अगर मैं ऑनर करूं तो जहाज इज ऑफ नो यूज, इनफ्लो लिखा हुआ यार, कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, तो इनफ्लो जीरो, सवारियों से किराया कितना आने? जीरो। बट आउटफ्लो जुलाई के महीने का किराया देना पड़ेगा और अगस्त का, सितंबर अक्टूबर का क्यों अवॉइड हो जाएगा? उसने कहा जब मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे दे देगी तो तब से तेरे से किराया लेना मैं बंद कर दूंगा, तो मैं मजबूर हूं तब तक किराया देता रहूं जब तक उसकी इंश्योरेंस कंपनी पैसे ना दे दे। जी कितने महीने का किराया देना था? 4 का। कितने महीने का? अल्लाह का शुक्र है बच गया 2 का। जुलाई अगस्त का क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगस्त तक उसको इंश्योरेंस कंपनी ने लिफ्ट नहीं कराई। जी बोले 0.5 × 2 months 1। अब ये IS-21 का सवाल नहीं है, वरना वो पाक रुपीज भी दे देता, पाक रुपीज में कन्वर्ट करके हम एंट्री करते, लेकिन फिलहाल डॉलर में ही हम बता देंगे। तो $1 या $1 million तो रुपीज इन मिलियन, बल्कि डॉलर इन मिलियन ही बन रहे हैं, तो $1 million की मैं प्रोविजन बुक करूंगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। तो 3 एंट्रीज बता दें क्या क्या बनी आप। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 8 million से, ये वाली थी ना एक एंट्री, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 8 million से, ये कितने से बनी थी? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 20 से, और ये वाली कितने से बनी थी? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट $1 million से। क्लियर? ये सवाल कितने लोगों से हो जाना था पेपर में? आधे से ज्यादा हो जाना था शायद, बस ये इंश्योरेंस वाली बात ने थोड़ा परेशान करना था, अगर समझ ना आती तो। मेरे ख्याल से ये वाली बात भी बहुत आसान थी और ये वाली बात भी बहुत आसान थी। ठीक है जी, ओवर। बहुत शुक्रिया यार आप लोगों ने टाइम दिया, मैं तो आपका एहसान मंद हूँ।